सो हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल आदर्श सिंह। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और आज हम लोग बात करने वाले हैं मैडम राइड्स द बस चैप्टर के बारे में। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना और फुल एंजॉयमेंट के साथ कहानी सुनते हैं। तो शुरू करते हैं। यह कहानी 8 साल की एक लड़की की पहली बस यात्रा की है। उसका नाम वल्लियामाई था, उसे संक्षेप में वल्ली कहा जाता था। वह एक जिज्ञासु लड़की थी। वह बहुत से चीजों के बारे में जानना चाहती थी। उसके अपनी उम्र के खेल के साथी नहीं थे। उसका पसंदीदा शौक था अपने घर के दरवाजे में खड़ा हो जाना और देखना कि बाहर क्या हो रहा है। गली की घटनाओं को देखने से असाधारण अनुभव हुए। इनमें से सबसे अधिक आकर्षक चीज थी वह बस जो गली में से हर घंटे बाद गुजरती थी। वह बस उसके गाँव और नजदीक के शहर के बीच चलती थी। बस को देखना वल्ली के लिए असीमित प्रसन्नता का स्रोत था। जब भी बस गली में से गुजरती थी तो वल्ली के लिए हर बार नए प्रकार के यात्रियों को बस में देखना एक बड़ी खुशी की बात थी। बस को दिन प्रतिदिन देखते रहने से उसके अंदर एक इच्छा पैदा हो गई कि वह भी बस की सवारी करे। उसकी यह इच्छा अधिक मजबूत होती गई और एक दिन यह बहुत तीव्र इच्छा बन गई। वल्ली अपने पड़ोसियों और उन लोगों के बीच की बातचीत को ध्यान से सुनती थी जो बस में सफर कर चुके थे या जो नियमित रूप से इसका प्रयोग करते थे। उसने कुछ सामान्य से प्रश्न भी पूछे। इस प्रकार उसने यात्रा के बारे में छोटी छोटी बातें भी जान ली। उसे पता चला कि शहर गांव से 6 मील दूर है। वहां तक पहुंचने में 45 मिनट लगते हैं। एक तरफ का किराया 30 पैसे है। कोई व्यक्ति चाहे 30 पैसे और देकर बस में बैठा रह सकता है और वापस गांव में आ सकता है। वल्ली ने शहर जाने और फिर वहां से वापस आने की योजना बनाई। यह उसकी अपने गाँव से बाहर पहली यात्रा होगी। उसने आइसक्रीम, खिलौने, गुब्बारे आदि खरीदने की अपनी इच्छा को दबाकर प्रत्येक पैसा बचाया। उसने गांव के मेले में जाने और वहां पर झूले का आनंद उठाने की अपनी इच्छा को भी दबाया। जब उसके पास 60 पैसे इकट्ठे हो गए तो वह अपनी पहली बस की यात्रा करने के लिए तैयार थी। उसने योजना बनाई कि वह घर से बाहर कैसे निकलेगी। वह जानती थी कि उसकी मां रोज दोपहर के खाने के बाद सोती है। उसने उन घंटों को अपनी यात्रा के लिए प्रयोग करने की बात सोची। उसने फैसला किया कि वह बस में 1 बजे सवार होगी ताकि वह 2 बजकर 45 मिनट तक वापस लौट आए। इस प्रकार बसंत के एक सुंदर दिन को वल्ली बस में सवार हुई। परिचालक हैरान हो गया, मगर उसके विश्वास को देखकर उसने उसे बस में सफर करने दिया। वह एक हंसमुख व्यक्ति था। वह समझता था कि वल्ली गर्व से बोल रही है। उसने वल्ली को मैडम कहकर पुकारा और उसे एक सीट दी। उसने दूसरों को भी मैडम के लिए रास्ता बनाने के लिए कहा। बस में केवल 6 या 7 यात्री ही थे। वे सभी वल्ली को देख रहे थे। वे और परिचालक हंस रहे थे। वल्ली ने अपने शर्मीलेपन पर काबू पाया, जल्दी से एक खाली सीट पर बैठ गई। वल्ली ने बस में अपने चारों ओर देखा। बस में सफेद रंग पर सुंदर हरी धारियों का पेंट किया हुआ था। इसकी सीटें नरम और आरामदायक थी। हवा रोकने वाले शीशे के ऊपर एक सुंदर दीवार घड़ी लगी हुई थी। ऊपर का डंडा चांदी की तरह चमक रहा था। तब उसने बाहर झांकने का प्रयत्न किया। उसने देखा कि बाहर का दृश्य एक पर्दे से रुका हुआ है जिसने खिड़की के नीचे के भाग को ढक रखा था। इसलिए बाहर के नजारे को देखने के लिए वह अपनी सीट पर खड़ी हो गई। बस एक नहर के किनारे के साथ साथ जा रही थी। उसने खजूर के वृक्षों, पहाड़ों और नीले आसमान को देखा। दूसरी तरफ हरे खेत थे। अचानक एक वृद्ध व्यक्ति ने उसे चेतावनी दी कि वह सीट पर खड़ी न हो। उसने उसे बच्ची कहकर पुकारा और कहा कि वह गिर सकती है और उसे चोट लग सकती है, मगर वल्ली ने उसकी परवाह नहीं की। उसने उसे गर्व से बताया कि वह बच्ची नहीं है। उसने अन्य लोगों की तरह पूरा किराया दिया है। परिचालक ने उस व्यक्ति को बताया कि वल्ली एक विकसित मैडम है। वल्ली ने परिचालक को गुस्से से देखा और कहा कि वह मैडम नहीं है। परिचालक ने कहा कि उसे सीट पर खड़ी नहीं होना चाहिए। जब बस एकदम मोड़ लेगी तो वह गिर सकती है। मगर वल्ली ने उसकी बातों की भी उपेक्षा कर दी। रास्ते में बस रुकी और कुछ अन्य यात्री सवार हुए। अपनी सीट खो देने के भय से वल्ली आखिर बैठ गई। एक बुजुर्ग महिला आई और वल्ली के पास बैठ गई। वल्ली ने महिला को देखा। उसे वह महिला घृणित महिला लगी। उसने बड़ी और गंदी वालियां पहनी हुई थी। वह पान चबा रही थी। वल्ली ने देखा कि पान उसके होठों से कभी भी गिर सकता है। उस महिला ने वल्ली से पूछा कि क्या वह अकेली सफर कर रही है। वल्ली ने उसे बताया कि वह अकेली है और उसके पास टिकट भी है। तब उस बूढ़ी महिला ने पूछा कि क्या एक बच्ची के लिए अकेले सफर करना उचित है। उसने यह भी पूछा कि वल्ली जानती है कि शहर में निश्चित रूप से कहां जा रही है। वल्ली ने उस बूढ़ी महिला से कहा कि वह उसके बारे में चिंता न करे।
तब उसने अपना चेहरा खिड़की की ओर कर लिया। बस एक खाली भूदृश्य के बीच से गुजरी। वल्ली ने बाहर के दृश्य का आनंद उठाया। वृक्ष उनकी तरफ भागते हुए प्रतीत होते थे। कई बार ऐसा लगता था कि बस सामने से आते हुए किसी वाहन से टकराने वाली है, मगर वे दोनों सुरक्षित गुजर जाते थे। अचानक वल्ली ने खुशी से तालियां बजाए। एक गाय बस के आगे आगे सड़क के बीचों बीच भाग रही थी। बस धीमी हो गई। ड्राइवर ने बार बार हॉर्न बजाया, मगर गाय और भी भयभीत हो गई और बस के आगे भागती रही। वल्ली तब तक हंसती रही जब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। आखिर गाय सड़क से हट गई। बस एक रेलवे फाटक के पास से गुजरी। वल्ली ने गाड़ियों के दृश्य का आनंद लिया। तब बस ने शहर के क्षेत्र में प्रवेश किया। वहीं पर लोगों की बहुत भीड़ थी। वल्ली ने विभिन्न वस्तुओं को हैरानी से देखा। तब बस शहर के बस स्टैंड पर पहुंची और रुक गई। वल्ली के अलावा हर व्यक्ति बस से उतर गया। परिचालक ने वल्ली से उतर जाने को कहा, मगर उसने बताया कि वह उसी बस से वापस जा रही है। वह हैरान हो गया और पूछा कि वह शहर में क्यों आई है। उसने कहा कि वह केवल बस की सवारी करना चाहती थी। उसने वल्ली से पूछा कि क्या वह बस से बाहर के दृश्यों को देखना चाहेगी। वल्ली ने कहा कि उसे इन सब में डर लगता है। उसने उससे कहा कि वह शीतल पेय ले ले। वल्ली ने कहा कि उसके पास इसके लिए पैसे नहीं है। परिचालक ने उसके पेय के लिए पैसे देने की पेशकश की, मगर वल्ली ने उसकी पेशकश को स्वीकार नहीं किया। बस ने वापसी की यात्रा आरंभ की। वे अद्भुत दृश्य फिर से आए। वल्ली ने दृश्य का फिर से आनंद उगाया। अगर अचानक उसने सड़क के किनारे पड़ी एक मरी हुई गाय देखी। वह किसी तेज चलते हुए वाहन से टकरा गई थी। उसने परिचालक से पूछा कि क्या वह वही गाय है जिसे उन्होंने पहले देखा था। परिचालक ने भी हां में अपना सिर हिलाया। वल्ली उदास हो गई। केवल कुछ समय पहले से यह एक प्यारी और सुंदर प्राणी थी, मगर अब यह गाय बिना आकर्षण और बिना जीवन के थी। बस चलती रही। मरी हुई गाय की याद वल्ली को बार बार आती रही। अब खिड़की से बाहर देखने की उसकी इच्छा नहीं थी। वह तब तक अपनी सीट पर बैठी रही जब तक कि उसका गांव नहीं आ गया। वह उतर गई और उसने परिचालक को कहा कि वे फिर मिलेंगे। परिचालक मुस्कुराया। उसने वल्ली को बताया कि जब भी उसका बस में सफर करने का मन करे तो वह आ सकती है। वल्ली घर पहुंची। उसने देखा कि उसकी माता जाग गई है। वह उसकी चाची से बात कर रही है जो दक्षिण गली में रहती थी। उसने वल्ली से पूछा कि वह कहाँ थी, मगर वल्ली केवल मुस्कुराती। उसकी माता और चाची बाहर के संसार की वस्तुओं के बारे में बात कर रही थी। उसकी माँ ने कहा कि कोई भी हर चीज के बारे में नहीं जान सकता। इस पर वल्ली ने कहा कि ऐसी बहुत सी बातें हो रही हैं जिसका हमें ज्ञान नहीं है। उसकी माँ ने पूछा कि उसका अभिप्राय क्या है। वल्ली की चाची ने कहा कि वह तो एक छोटी लड़की है। वह ऐसी बातों में रुचि लेती है जिनसे उसका कोई वास्ता नहीं है। वह ऐसे व्यवहार करती है जैसे वह एक बड़ी स्त्री हो। वल्ली अपने आप में मुस्कुराई। वह नहीं चाहती थी कि वे उसकी मुस्कुराहट का अर्थ समझे। और कहानी यहीं पर खत्म होती है। मिलते एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।